पूछे तो पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि एमएलए एब्सकॉन्डिंग है। एमएलए एब्सकॉन्डिंग नहीं है, एमएलए होम मिनिस्टर के घर में है। एमएलए नहीं तो मुख्यमंत्री के घर में होगा। ये सिर्फ एमएलए रिजाइन करने से कुछ होने वाला नहीं है, सीएम भी इसमें इन्वॉल्व है, सीएम भी इसके लिए रिजाइन दे। बीजेपी का जो गवर्नमेंट है इनको ना शर्म है ना हया है। अमित शाह का ये इलेक्शन का दौरा नहीं है उनका, ये 40% कलेक्शन का दौरा है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। बीजेपी के एमएलए के बेटे जो पकड़े गए हैं 40 लाख लेते हुए और उनके घर से 8 करोड़ निकले हैं, तो ये बीजेपी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 40% ऑलरेडी ये बदनाम है पूरी गवर्नमेंट। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुरुगेश तिरानी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उन्हों रिज़ाइन देना चाहिए उनको, और हमारा सीएम जो है सीएम को भी जल्द से जल्द रिज़ाइन देना चाहिए। ये सिर्फ एमएलए रिज़ाइन करने से कुछ होने वाला नहीं है, सीएम को भी सीएम भी इसमें इन्वॉल्व है, सीएम भी इसके लिए रिज़ाइन देना चाहिए। आज कर्नाटका स्टेट में ये जो बीजेपी का ये जो भ्रष्टाचार का जो एविडेंस मांग रहे थे मुख्यमंत्री, आज एविडेंस मिला है उनको। जो लोका एकता रेड में एक एमएलए का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, अभी तक उनका अरेस्ट नहीं हुआ है एमएलए का। पूछे तो पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि एमएलए एब्सकॉन्डिंग है। एमएलए एब्सकॉन्डिंग नहीं है, एमएलए होम मिनिस्टर के घर में है। एमएलए नहीं तो मुख्यमंत्री के घर में होगा। तो ये जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट है इनको ना शर्म है ना हया है। इतना रेड हैंड मिलने के बाद 8 करोड़ रुपए उनके घर में बरामद हुए हैं। ये सिर्फ 8 करोड़ की ये रिश्वतखोरी नहीं है, इसके पीछे 800 करोड़ का घोटाला है। इसलिए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई राजीनामा देना चाहिए, इंडस्ट्री मिनिस्टर मुरुगेश निरानी राजीनामा देना चाहिए, और वो एमएलए को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, और ये पूरा ये जो मामला है इसको जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। ये सिटिंग चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। मैं राम राठौड़। ये जो कर्नाटक में जो दौरा चल रहा गृह मंत्री अपने भारत के अमित शाह का, ये इलेक्शन का दौरा नहीं है उनका, ये 40% कलेक्शन का दौरा है। मैं ये तुम्हारे वीडियो मुखांतर है ये बीजेपी वाले और आरएसएस को मैसेज देता हूँ, जब तक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय प्रियंका साहब, हमारे जैसे निष्ठावंत कार्यकर्ते के सर के ऊपर उनका हाथ है, आरएस क्या बीजेपी से हमें कार्यकर्ते डरने वाले नहीं है, जब तक हमारे साथ हमारे प्रियंका खड़गे साहब का हाथ है। ऐसे राम राठौड़ पूरे विश्व में बीजेपी और आरएसएस के बारे में 24 आवर्स हम उग्र होराटा करेंगे। ये जो कल जो बेंगलुरु में एमएलए का बेटा 8 लाख लिया बोल के कमीशन लेने टाइम पे भी ये बीजेपी सरकार उनको अरेस्ट करने का उनका अवकाश नहीं है। अभी ये एमएलए कहाँ हैं,
जाओ बसवराज बम्बई के घर में मिलेगा। उसका बेटा कहाँ है? बसवराज सीएम बम्बई के घर में मिलेंगे। बसवराज बम्बई जी बोलते थे, अरे कोई प्रूफ मिला तो हमारा एमएलए रहने दो, खुद हम रहने दो, हम पार्टी से उसको उच्छेटन करते बोलते। बसवराज बम्बई सीएम सर, आपको मैं आग्रह करता हूँ, तुम्हारे एमएलए 40% एमएलए का बेटा 8 करोड़ लेके रिश्वत पूरा इंडिया में वायरल हो रहा, तो आप क्यों आँख बंद है? तुम्हारे कान बेरे है? क्यों नहीं है उठाते? क्यों नहीं तुम्हारे बीजेपी पार्टी से उठाते? तो नहीं, 8 करोड़ नहीं, ये 800 करोड़ का घपला है तुम्हारा 40% सरकार का। और जो अमित शाह जो कर्नाटक का दौरा चल रहा है, वो कर्नाटक तो इलेक्शन का दौरा नहीं, ये 40% सरकार का कलेक्शन का दौरा। ये वीडियो के मुखांतर मैं अमित शाह को भी बोलता हूँ, ये राम राठौड़ हर हमेशा मेरा साथ रहने तक, ये बीजेपी और आरएसएस के विरोध हमारा उग्र हो रहा रहेगा, जब तक हमारा आदरणीय खड़गे साहब दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा श्रीमती सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी, हमारा प्रियंका खड़गे साहब है, ऐसे हर पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व में हमारा युवक के तरफ से कार्यकर्ता के तरफ से ऐसा ही हो रहा रहेगा। आदरणीय खड़गे साहब को हमारा वीडियो के मुकाम से नमस्ते बोलते हैं।